तो दिस क्वेश्चन नंबर थ्री जिसमें दिया क्या है, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसका पहला पार्ट है थ्री हेड, ठीक है। तो तीन कॉइन्स को एक साथ उछाला गया है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, या तो तीनों हेड हो, ठीक है, या फिर पहला हेड हो, दूसरा हेड हो, लास्ट वाला टेल हो, ठीक है। वाला हेड ये सही बनानी है, तो पहला हेड हो, दूसरा हेड हो, लास्ट वाला टेल हो, फिर क्या हो सकता है, पहला हेड, बीच वाला टेल, फिर हेड, या फिर पहला टेल, फिर हेड और हेड, ठीक है। और क्या हो सकता है, पहला टेल हो, दूसरा भी टेल हो और लास्ट वाला हेड हो, ठीक है, और पहला टेल, दूसरा टेल, पहला टेल, दूसरा टेल, बीच वाला हेड और लास्ट वाला टेल, ठीक है, टी एच टी। इसके बाद क्या हो सकता है, फर्स्ट वाला हेड, फिर टेल, फिर टेल, सबसे एंड आउटकम होगा तीनों टेल हो, ठीक है। तो अपने ये हो गए टोटल एट आउटकम्स, ठीक है। तो क्या बोला गया है, ऑफ गेटिंग थ्री हेड, अपन को तीनों में हेड चाहिए, तो ऐसा सिर्फ एक आउटकम है ये वाला, तो अपने प्रोबेबिलिटी क्या हो गई अपनी, एनी अपॉन एन एस। एनी क्या होता है, एनी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हैं, सिर्फ एक है, ठीक है। और टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल इवेंट है, टोटल इवेंट है एट, तो अपना आंसर हो जाएगा 1/8, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, एग्जैक्टली टू हेड, तो सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली टू हेड, तो दो हेड होने चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। तो दो हेड किसमें है एग्जैक्टली, एक तो ये वाला है इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। तो अपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए अपने तीन, और टोटल आउटकम हो गए एट, तो अपना आंसर हो जाएगा 3/8, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट टू हेड। तो एटलीस्ट टू हेड का क्या मतलब है, दो हेड तो हो ही सकते हैं और तीन हेड भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट टू हेड का ये मतलब होता है। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए तीन, तो ये रहे, इसमें दो हेड है और एक ये वाला है इसमें तीनों हेड है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 4 और टोटल आउटकम हो गए 8। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इज आर रिक्वायर्ड आंसर।